नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में, अब स्मॉल बॉब इज अटैच्ड टू अ लाइट इन एक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ एल एंड हैज अ पीरियड टी. व्हेन अलाउड टू वाइब्रेट एज अ सिंपल पेंडुलम, द थ्रेड इज नॉट सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड ओ ऑफ अ वर्टिकल रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 3L/4. इफ नाउ द पेंडुलम परफॉर्म्स ऑसिलेशन इन दिस अरेंजमेंट देन द पीरियोडिक टाइम विल बी. तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि पेंडुलम, ध्यान से देखो, तो आधे ऑसिलेशन से मेरा मतलब ये है कि जब तक ये लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आएगा तो ये एक तरह से एल लेंथ का पेंडुलम है. लेकिन जब ये पॉइंट बी से आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो जो क्या होगा कि वो रॉड से वो स्ट्रिंग हिंज हो जाएगी, मतलब अटैच हो जाएगी, और आगे केवल जो पेंडुलम जाएगा वो एल बाई फोर रेडियस में जाएगा. देखिए तो ऐसे बोल सकते हैं कि बी से सी तक के लिए भाई, यहाँ से यहाँ के लिए हम लोग लिखेंगे पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं टी बाई टू. और यहाँ से यहाँ के लिए हम लोग लिखेंगे पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई फोर अपॉन जी. तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये टी बाई फोर बनेगा, जहाँ टी की वैल्यू है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. तो एल बाई फोर है, 1/2 और बाहर आ जाएगा. तो टी बाई टू और टी बाई फोर अगर हम ये दोनों ऐड करें तो ये 3T/4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा.